नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों के अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं आयोग की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट। यहाँ रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 का लिंक यहां आपको दिया गया है। व्यू पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुला होगा। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, यहाँ सफाई कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 2/2024 जारी किया गया है। राज्य की 185 नगर निकायों के निकायवार विज्ञप्ति कुल पदों की संख्या 23,820 है, जिसके लिए केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार सकते हैं 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। इसके लिए आपको ₹100 का फीस पेमेंट करनी पड़ेगी सुधार शुल्क के रूप में, जिसे ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, आप SSO पोर्टल के माध्यम से या ई मित्र कियोस्क या जुन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या फिर lsg.urban.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदक को अपनी कैटेगरी जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC, MBC, SC/ST, SAH और दिव्यांगता का विवरण दर्ज करना होगा, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रम आपको पूरा करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो जनरल कैंडिडेट और अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को ₹600 फीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के SC/ST, BC, MBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट और महिला कैंडिडेटों को, इसके साथ ही जो OBC दिव्यांगजन हैं उनको ₹150 फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। ऐसे कैंडिडेट जो कि अनाथ हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, यानी उनके लिए 0 फीस पेमेंट रखी गई है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। माफ़ कीजिए, यहाँ जो एक बार यह पंजीकरण शुल्क है वो कुछ यहाँ पर हमने गलती कर दी है। अनारक्षित दिव्यांगजनों को ₹400 फीस पेमेंट करनी होगी, 150 नहीं है, ₹400 फीस पेमेंट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले जमा कर चुके हैं उनको दोबारा पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म में आप एडिट करने के लिए ₹100 फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। आप यहाँ नगर निकाय के अकॉर्डिंग सारे निकायों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है और उसके अंतर्गत पदों की वैकेंसी या पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, किस निकाय में कितने पद हैं उनकी डिटेल जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संबंधित प्रावधान की। तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए उन्हें वरीयता दी जाएगी सफाई कर्मचारी के पदों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहां दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग
यहाँ पर इनमें से अगर कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट गेम से रिलेटेड आपके पास है तो आपको इन पदों में सिलेक्शन के दौरान वरीयता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की, तो इन पदों पर यानी सफाई कर्मचारी के पदों पर आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है सफाई कर्मचारी के पदों के लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है। अगर आप अनपढ़ हैं तो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं तो भी आप इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। तीसरी कंडीशन है सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए आवेदक के पास में सैनिटेशन या स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवेज की सफाई करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि राज्य की नगर निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके समकक्ष प्राधिकृत अधिकारी से जारी किया गया हो या अन्य संस्था प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संबंधित नगर निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक, ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एक प्रॉपर प्रारूप पर। अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो lsg.urban.rajasthan.gov पर उपलब्ध कराया गया है। वहाँ से डाउनलोड कर आप उस फॉर्मेट में अपना प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपका फर्जी पाया जाता है किसी भी स्थिति में, तो आपकी जो भर्ती है, नियुक्ति है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। वेतनमान जो होगा यहाँ सातवें वेतन आयोग के लेवल एक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें अधिकतम वेतनमान होगा 56,900, 18,000 से 56,900 तक वेतनमान होगा। अन्य जो कंडीशन है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा इन पदों के लिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर तय की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। यह एक विशेष भर्ती नोट दिया गया है राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार। जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती में आयु की दृष्टि से योग्य था तो आयु की दृष्टि से इन पदों के लिए भी उसे योग्य माना जाएगा, लेकिन आयु में अधिकतम 3 वर्ष की ही छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट राजस्थान के SC ST BC MBC EWS वर्ग के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि राजस्थान की मूल निवासी SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट होगी। ऐसे महिलाएं जो विधवा हैं, विच्छिन्न विवाह हैं, डाइवोर्सी हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला क्यों ना हो। अब बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। सफाई कर्मचारी के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो लॉटरी के माध्यम से की जाएगी, यानी कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा सफाई कर्मचारी के पदों पर चयन के लिए। तो चयन जो होगा नगर निकायों के द्वारा निकायवार आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। लॉटरी जो होगी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान के द्वारा डेवलप किए गए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को नई पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा, उनको नई पेंशन NPS की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसके लिए आपको अपने पास एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना जरूरी है। आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है, दिशा निर्देशों को अच्छे से समझ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB JPG फॉर्मेट में, अंगूठा और हस्ताक्षर का जो साइज़ है 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPEG फॉर्मेट में। जो अन्य दस्तावेज हैं जैसे क्वालिफिकेशन, एज, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस और जाति प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट हैं, उनको PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है और अपलोड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन
कर सकते हैं जो शुरू होने वाले हैं 7 अक्टूबर से, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 6 नवंबर 2024 तक रात के 12 बजे तक होगी। तो अपने एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म और अन्य डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर अपलोड कर देना है और सबमिट करा देना है। अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 का इंतजार किए बिना तो आज ही। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें और अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी मोड में रखें, क्योंकि 7 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार के लिए, रोजगार समाचार के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए और इस जानकारी को इतनी लगन से देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं डिटेल में नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।